पोनियन सिल्वन एक ऐसी कहानी है जो हमने बचपन से हमारे बुक्स में पढ़ी है और हमारे हिस्ट्री में भी है। मतलब वो बहुत ज्यादा ग्रैंड हिस्ट्री है और कहा जाता है कि मणिरत्न सर इसके 3 से 5 पार्ट बनाने वाले हैं, यानी कि बाहुबली के तो हमने 2 देखे थे लेकिन यहाँ पे हमको 3 से 5 पार्ट देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके स्टोरी टेलिंग। ठीक है, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी ये मूवी को लेके। मैंने जब पढ़ा ये सब चीज तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो यार कोई तो मूवी है जो सिक्वेल्स पे बिलीव करती है। अपने इंडिया में ऐसी बहुत कम मूवीज है जो सिक्वेल बनाने पे बिलीव करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक पॉइंट के बाद में वो मूवीज देखने लोग नहीं आते। लेकिन फिर भी मनोरंजन सर ने इसमें बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और जो लोग नहीं जानते बता दूं, ये मूवी बहुत सारे पंगों में पड़ी हुई है पहले से, क्योंकि इसके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी भी होना बाकी है। कुछ आर्यवर्त वाले जो लोग हैं वो भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी करने वाले हैं। और दूसरी चीज, ये मूवी लगभग 15-20 सालों से बनती आ रही है। मतलब फर्स्ट टाइम जब ये मूवी बनी तब कुछ पैसों के कारण ये मूवी नहीं बन पाई, उसके बाद में वापस से ये टॉपिक उठा, लेकिन उस टाइम पे भी प्रॉपर सोर्सेस नहीं थे वीएफएक्स के, इसीलिए ये मूवी नहीं बन पाई। उसके बाद में वापस से ये मूवी बनी, फोटोशूट्स वगैरह हुआ एक्टर्स का, लेकिन तभी भी यही प्रॉब्लम हुआ कि प्रॉपर वीएफएक्स सोर्सेस नहीं थे और जो मणिरत्न चाहते थे उस टाइप का हमारे पास रिसोर्सेस नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये मूवी नहीं बनाई। लेकिन फाइनली उनको ये अभी सब रिसोर्सेस मिल गए, आई थिंक अब जाके मिले हैं 2022 में। तो फाइनली इसका टीजर आया है, टीजर को देख के मुझे स्पेशली अच्छा लगा। ग्रैंड स्केल था, एनवायरमेंट्स अच्छे थे, उस टाइप का लुक था। स्पेशली सूर्या सर ने जो भी अपना जो भी दिखाया, विक्रम सॉरी विक्रम सर ने जो भी अपना मतलब जो ऑरा दिखाया है उसमें फ्लैग वैग ये करके, वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि उनका पहले से ही वैसा अटायर रहा है कि वो कुछ अच्छा नया करते हैं अपने हर मूवी में। जैसे आई मूवी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, सॉरी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मुझे बहुत अच्छा वीएफएक्स लगा था आई मूवी का स्पेशली। आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखो, विक्रम सर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी मैं बोलूंगा उनको। और अभी भी उनका लुक अच्छा दिख रहा है। और जो लोग बोल रहे कि ऐश्वर्या राय कम बैक कर रही है, ऐश्वर्या राय काफी अच्छी दिख रही है, बट आई डोंट थिंक सो यार, कि वो ना दिखता है चेहरे पे, एज दिख रहा है मुझे ना, उससे अच्छा तो त्रिशा लगी। स्पेशली मुझे त्रिशा अच्छी लगी, वो काफी अच्छी लग रही है उसमें और वो ब्यूटीफुल भी लग रही है। नो डाउट ऐश्वर्या राय भी अच्छी है, मैं जानता हूं, बट फिर भी मुझे त्रिशा पर्सनली काफी अच्छी लग रही है ऐश्वर्या राय से कंपेयर टू। ठीक है, क्योंकि उसको वो लुक सूट कर रहा है। उसके बाद बहुत बड़ी स्टार कास्ट है मूवी में, स्टार कास्ट बहुत बड़ी है और एनवायरमेंट्स भी काफी अच्छे दिखाए गए हैं। बस मुझे एक चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, वो था वीएफएक्स का। बहुत लोग बोलेंगे कि ग्रैंड स्केल है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि स्केल आप किस तरह से डिटरमाइन करते हो वो थोड़ा डिपेंडेंट है। मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि स्केल अच्छा है, मैंने पीजे की वीडियो देखी, मैंने सूरज की वीडियो देखी, वो लोग बोल रहे हैं कि स्केल बहुत बड़ा है, ग्रैंड है, ये है। मैं भी बोलता हूँ वो ग्रैंड है, बट कहीं ना वो बेसिक है। मुझे नहीं लगता कि वो ग्रैंड और बड़ा स्केल दिख रहा है। मतलब आप लोगों को मैं ना ये वीडियो के मतलब वीडियो के स्टार्ट आपको बीच में मैं आपको ये सब चीजें दिखाता हूँ। ये देखिए, एक मेरी आपको यहाँ पे मैट पेंटिंग दिखेंगी और एक पोनियन सिल्वर की स्टार्टिंग का शॉट दिखेगा। ठीक है, डिफरेंस आप लोग खुद देखिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये इनका फाइनल रेंडर्स नहीं है। वीएफएक्स में 2 टर्म होते हैं, एक प्रीवियस होता है और एक फाइनल रेंडर होता है। प्रीवियस तब दिखाते हैं जब टीजर वगैरह करना हो और जल्दबाजी में कुछ दिखाना हो जल्दी जल्दी, जैसे मूवी अगर 3-4 महीने बाद रिलीज हो तो पटाख से कुछ दिखाना हो तो प्रीवियस दिखा देते हैं टीजर में। बहुत बार हमने भी देखा है, एक रफ शॉट दिखा देते हैं लेकिन मूवी में फाइनल रेंडर्स रखते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि वीएफएक्स अच्छा नहीं है, आई थिंक ये प्रीवियस है, इतना ज्यादा कोई अच्छा वीएफएक्स नहीं दिखाया इन्होंने, रफ वीएफएक्स करके आपको दिखा दिया है। हो सकता है कि मूवीज में फाइनल रेंडर डाले और होप्स ऑफ फिंगर क्रॉस कि यही हो, क्योंकि वीएफएक्स बहुत बेसिक लग रहा है। और जो लोग अभी कमेंट में करने आएंगे ना टट्टी, वो बोलेंगे कि भाई तुझे क्या पता ग्रैंड है ये है। सो बता दू, आई एम मैट पेंटिंग आर्टिस्ट एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट। ठीक है, जो आप देख रहे हो वो सब काम मैं खुद करता हूँ। ठीक है, और मैं भी ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी 6-7 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। सो आई एम अ गुड मैट पेंटर, ओके, इंडस्ट्री में मेरा भी नाम अच्छा ही है। सो मैं जान सकता हूँ कि वो रफ है या क्या है, और वो कॉन्सेप्ट आर्ट ही लग रहा है, वो कोई प्रॉपर मैट पेंटिंग नहीं लग रही है मेरे को। ठीक है, सो उस वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन फिर भी स्टोरी इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। स्टोरी अच्छी है, विक्रम सर की एक्टिंग तो ऑब्वियसली अच्छी रहेगी, स्टोरी अच्छी रहेगी पोनियन सेल्वन की तो ऑब्वियसली मूवी चलेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये बाहुबली के लेवल तक जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि उतना हाइप बना पाएगा, क्योंकि इनके पास वैसा कोई की फैक्टर नहीं है जो हाइप बना पाए, लेकिन अगर बनाते हैं तो वेल एंड गुड, मूवी चल जाएगी और हो सकता है बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। और बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दे तो मेरे को पर्सनली ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या है ना, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मूवी इंडस्ट्री में होना चाहिए। मतलब अगर आज बाहुबली का रिकॉर्ड टूटेगा तो कल कोई पोनियन सेल्वन का रिकॉर्ड भी तोड़ने को तो आएगा ना, तो हमारे लिए वो ट्रीट होगा। अच्छा, सो कोई बुरी बात नहीं है किसी का रिकॉर्ड तोड़े, एक अच्छी बात होती है, हेल्दी कॉम्पिटिशन चली रहती है इंडस्ट्री में।
सो गाइज ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन पोनियन सेल्वन के ऊपर। आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी को लेकर मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज सब्सक्राइब किया करो यार, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, बट चेहरे से आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे तीन चार लोगों ने कमेंट किया था कि प्लीज यार पोनियन सेल्वन का रिव्यू करो। तो थैंक यू गाइज फॉर इतना प्यार दिखाते हो आप लोग यार, सही में बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो लोग भी सपोर्ट करते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो लोग कमेंट करते हैं नीचे। एक बंदे ने भी बोला था, मैं उसका कमेंट बोलूंगा, कि भाई मैं आपका अभी लाइफ टाइम सब्सक्राइबर रहा आपके चैनल का। सो देखो यार, व्यूज दो आते तीन आते मेरे को मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है आप लोग कितना मेरे को सपोर्ट दिखाते हो और कितना प्यार करते हो। आई नो सेटअप अभी थोड़ा सा ये है हिला जुला, बट मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सेटअप वेटअप का। एक्चुअली डीएसएलआर भी है बट उसका केबल वेबल का इशू चल रहा है, तो वो भी मैं थोड़ा करूंगा। माइक वाइक भी ला के रखा है मैंने, सो मतलब सब कर रहा हूँ यार, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, बस यही बोलूंगा, बाकी कुछ नहीं। हर वीडियो में मैं नहीं बोल सकता ये सब चीजें कि मुझे सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मेरा भी जॉब होता है, मैं भी जॉब करता हूँ, उसके बाद भी ये करता हूँ। तो आप लोगों के लिए अगर इतने अच्छे रिव्यूज ला रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं बाकी रिव्यू की तरह नहीं हूँ कि किसी की एक्शन मार ली और ऐसा वैसा कर दिया, ठीक है वो उनका स्टाइल है, आई डोंट माइंड इट। ओके, लोगों को वो पसंद आता है वो देखिए, लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है मेरा वो मेरा देखिए। मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, बस मैं यही बोलूंगा कि आप लोग देखते हो ना तो एक सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो, तो उसी में मेरा अच्छा है बस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय।